नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं हूं काशिफ अली। हिमाचल प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पीएम मोदी आज हिमाचल पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने एक रैली करी है। अभी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक सड़ी गली पार्टी है। एक प्रधानमंत्री का इस तरीके की भाषा करना कहां तक सही है और कहां तक गलत है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी पसोपेश है कि एक प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले राशिद जी से पूछना चाहूँगा कि राशिद जी, प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा यूज़ कर रहा है एक ऐसी विपक्षी पार्टी के लिए कि वो सड़ी गली पार्टी, आपका क्या कहना है? जी वाकई ये बेहद ही मतलब सोचने वाली बात है कि एक प्रधानमंत्री जो अपने पद की गरिमा बनाए हुए और गरिमा से हटकर वो एक जवाब देते हैं, तो उन्हें उनके इस बयान की वाकई एकदम निंदा करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पद पर बैठते हैं उसकी गरिमा को समझना चाहिए, क्योंकि पीएम एक ऐसे पद पर बैठते हैं जहां उन्हें इस तरह के भाषण देना बिल्कुल ही मतलब शोभा नहीं देता है। उन्हें एक सभ्यता में रहकर ही अपना भाषण, हर अगर किसी की आलोचना भी कर रहे हैं तो भी वो एक सभ्यता के साथ चल के सभ्य भाषा में हर किसी को समझाना चाहिए। बिल्कुल, या इनका राशिद जी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को अपनी भाषा को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मैं अगर आपको कुछ चीज़ मैं अगर दिखाना चाहूँ मैं अपने सिस्टम पर, तो आप देख सकते हैं कि NDTV ने अपनी खबर लगाई है कि हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा है कि हिमाचल को लूटा गया है, उनकी विदाई का समय आ गया है। यानी कांग्रेस की विदाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में है और ऐसे में अगर हिमाचल में अगर लूटा गया है तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार भी दोषी है। मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से मोदी की सक्रियता गुजरात में है, हिमाचल में नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अली जी, मैं ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हिमाचल में चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, तो हमें सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि क्या हिमाचल में लोगों की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। हिमाचल के लोगों के मेन मुद्दा वो बनाना चाहिए, केवल सरकार बनाना नहीं है, लोगों की आवश्यकताएं क्या है, हिमाचल को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या वहाँ से किस चीज़ से जैसे टूरिज्म को वहाँ बढ़ावा दे सकते हैं, क्या इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। केवल राजनीति और चुनाव जीतना ही मेन मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है कि आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले बोला कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार थी तो हिमाचल का बंटाधार हुआ है, तो कहने वाली बात यह है कि वहाँ पर यदि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार राज्य के लिए कितना पैसा दिया, राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं दी, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये केवल चुनावी वादों से राजनीति नहीं होती, वादों से सरकार नहीं चलती है। ध्यान देना चाहिए कि कितना हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और इसको हिमाचल में देखना चाहिए, वहाँ की लोगों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, वहाँ की लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या है, बुनियादी आवश्यकताएँ क्या है, किस प्रकार से हम हिमाचल को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएँ हम दे सकते हैं, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ की ज़रूरतों को समझना होगा। दावों से और वादों से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति में ज़रूरी है कि आम इंसान से जुड़ा जाए, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए। हिमाचल प्रदेश जो कि एक पर्यटक वहाँ पर आते हैं, एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर पर्यटक आते हैं, उस तरीके से उन लोगों की ज़रूरतों को समझना होगा। मेरे साथ अनुज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अनुज मिश्रा जी, मैं आपसे इस पर सवाल करना चाहूँगा कि गुजरात और हिमाचल का चुनाव नज़दीक है, गुजरात में मोदी रैलियां कर रहे हैं, वहां बार बार जा रहे हैं, हिमाचल में आज वो पहली रैली कर रहे हैं जबकि हिमाचल में चुनाव पहले, क्या इसमें नहीं लगता कि मोदी हिमाचल को हल्के में ले रहे हैं? देखिए, गुजरात में वो 19 सालों से रह चुके हैं, वहाँ सत्ता उनकी काबिज थी सत्ता, और अब जो है वो हिमाचल में शायद ये सोच के चल रहे हैं कि हम अपने BJP की सत्ता को काबिज कर लेंगे। लेकिन अब गुजरात का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है कि वहाँ अभी मोदी को आपने देखा होगा कि कभी प्रधानमंत्री मोदी कभी एक हफ्ते से वहाँ रैली करने नहीं आए, लेकिन आज वो गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश में क्या है, शायद BJP ये सोच कर चल रही है कि मुझे शायद जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी हिमाचल प्रदेश में इस चीज़। यानी BJP कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त है कि वो हिमाचल में चुनाव जीत लेगी, लेकिन वो गुजरात में क्यों डर रही है? क्या आर्थिक नीतियां कमज़ोर हुई हैं? क्या नोटबंदी और क्या जिस तरीके से GST को इम्प्लीमेंट किया गया है, कहीं ना कहीं BJP इस चीज़ को कमज़ोर कर रही है? मैं इस पर बात करना चाहूँगा अभिलाष पांडे जी से कि क्या BJP सरकार गुजरात में जो चुनाव लड़ रही है, क्या आर्थिक नीतियाँ जो हुई हैं पिछले दिनों, जो नोटबंदी हुई है, जिस तरीके से GST हुए, क्या BJP को इसका नुकसान होगा?
काशिफ भाई, नुकसान तो होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से पब्लिक की जो मेंटेलिटी है वो बदल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे सत्ता में पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ा सा कांग्रेस से परेशान भी थी पब्लिक। लेकिन जिस तरह से GST, पहली बात तो आपने नोटबंदी की, नोटबंदी की मार एक बार पब्लिक ने समझा कि ठीक है प्रधानमंत्री अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने GST ले आया। GST एक ऐसा भार पड़ा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसी भी देश का जो मार्केट है वो हमेशा मिडिल क्लास ही बनाता है, तो जिस ढंग से मिडिल क्लास पर ये मार पड़ी है GST में, अगर वो मान लीजिए अगर आप 50 रुपये की थाली खाने जाते हैं तो आप वहाँ पर 20-30% GST भर रहे हैं, तो GST का आधार आपने तय नहीं किया। दूसरी बात, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ कि बीते 2 दिनों पहले जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी ने बताया कि वर्ल्ड बैंक की सूची में भारत 130वें पायदान पर था और अब 100वें पायदान पर आ गया है, और जिसमें उन्होंने भारत ने 10 में से 8 क्षेत्रों में आर्थिक सुधार किया है। लेकिन उन 8 क्षेत्रों में आर्थिक सुधार तो किया है, ये आपका कहना है, लेकिन उसके आपने आधार नहीं बताए, आपने GST के आंकड़े नहीं बताए कि GST जो आप लेकर आए हैं वहाँ पर आपने पब्लिक को क्या फ़ायदा दिया है। सेम अगर हम नोटबंदी पर जाते हैं तो नोटबंदी पर भी आपने यही किया कि आपने नोटबंदी कर तो दी, ये कहा कि भैया इतनी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा, इतना हम पैसा ले आए, लेकिन उसका सिर्फ 6% पैसा, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा फैसला लिया आपने और उसके बाद इस मतलब इतनी कम रकम आने के बाद और आप बिल्कुल ये कहते हैं कि नहीं BJP की सत्ता में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत को एक मतलब विश्व स्तर पर काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं भारत, ये इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि भारत की छवि जो है बीते 4 सालों में सुधरी है, लेकिन जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश में आकर देते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान एक प्रधानमंत्री पर सूट नहीं करते हैं। चाहे हम नोटबंदी की बात कर लें, उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो अगर आप विश्व स्तर पर अपनी छवि बनाना चाहते हैं और अगर प्रधानमंत्री इस तरह का बयान देगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अटपटा सा लगता है, क्योंकि जब लोग यही बोलेंगे अगर प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो आप देश को क्या सेफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत सही बात कही है कि प्रधानमंत्री की भाषा को उनको सही से संभल कर उनको बोलना चाहिए, क्योंकि विश्व स्तर पर जब बात होती है तो सिर्फ प्रधानमंत्री की ही बात सुनी जाती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गायत्री गुप्ता मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि हिमाचल में पिछले दिनों एक महिला, एक लड़की के साथ एक रेप हुआ था, कोई भी सियासी पार्टी उस मुद्दे को नहीं उठा रही है, क्या महिलाओं की सुरक्षा इतनी आसान है, क्या महिलाओं की इतनी ज़्यादा है कि उनको महिलाओं के लेकर कोई बात नहीं रही है, मैं बात करना चाहूँ। काशिफ जी, आपने हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात की तो आपको कहना चाहूँगी कि आगामी 8 नवंबर को वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर सरगर्मियाँ भी बढ़ गई हैं राज्य में। हालांकि अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रैली करके ताबड़तोड़ उन्हें बयान दिए हैं कि सारी गली राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि मोदी जी को, पीएम मोदी को अच्छे से बखूबी इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उन्हें लग ही रहा है कि हिमाचल में उनकी ही सरकार आने वाली है। प्रेम कुमार धूमल पर उनका दाव कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बयां कर रहा है। चलिए, आपने पूछा सवाल महिला की सुरक्षा को लेकर, देखिए अभी इसी साल शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, वहाँ के घोषणा पत्र में सबसे अहम मुद्दा था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही, बात करें हरियाणा की, बात करें महाराष्ट्र की जहाँ पर सरकार है BJP की, तो वो महिलाओं की सुरक्षा को सबसे अहम मुद्दा मानती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में के चुनाव में अभी तक जो घोषणा पत्र मैंने देखा है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिस तरह से बातें की जाती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसमें सरकार सिर्फ उसको एक कहते ना कैश करना कि उसको एक मुद्दा बना दिया और उस पर खेलना, लेकिन उसके बाद जब चुनाव जीत गए वो सारा ढाक के 3 पात, यानी कि हमने बोल तो दी बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा है, जमीनी धरातल पर उसकी सच्चाई क्या है, उसको कोई देखने नहीं जाता है। यहाँ तक कि हम केंद्र सरकार या मोदी सरकार को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम अगर दूसरी पार्टी की बात करें, 60 साल से देश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज थी तो क्या उसके काल में ये सब नहीं हुआ? अगर बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ अपना जो जोश दिखा रही हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो उसको भी ताक पर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन काशिफ जी, आपको बताना चाहूंगी कि जो महिला की सुरक्षा का जो अहम मुद्दा उठाया जाता है चुनावों में, वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है, एक बरगलाना, मैं इसे कहना चाहूंगी, बरगलाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को हम ध्यान में देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में पार्टी आती, कोई हो चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस, फिर सारे मुद्दे एक तरफा हो जाते हैं और सिर्फ उनकी सियासी चालें और सियासी रणनीतियाँ होती हैं वो बस शुरू हो जाती हैं और सारे अहम मुद्दे एक साइड जो मुद्दे जाते हैं राजनीति में काबिज होने के बाद, सत्ता पे काबिज, वो तब सामने आते हैं जब दूसरा चुनाव सामने आता है।
बिल्कुल बहुत सही बात कही वरिष्ठ पत्रकार गायत्री गुप्ता ने कि जब तक के अगर मोदी सरकार जो भी है वो बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आने वाले वक्त में गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनाव में किस तरीके की रणनीति तैयार करते हैं, जो वादे जो दावे घोषणा पत्र में किए जा रहे हैं, क्या उनका ज़मीन पर कुछ काम होगा या हमेशा की तरह सिर्फ बातें और बातें और बातें ही होती रहेंगी और आम इंसान बैंकों की लाइन में ऐसे ही लगता रहेगा और उसके हिम्मत और दावे टूटते रहेंगे। ये तो हमारा खास प्रोग्राम, हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए SPN9 News। धन्यवाद।